एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब सियासत जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालेंगे। बात सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग की। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान आज चर्चा की गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत तमाम अधिकारी इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहे और खासतौर से केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। हरियाणा नाबार्ड की ओर से स्टेट फोकस पेपर को लेकर एक बैठक आज आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस योजना में नाबार्ड के अधिकारियों के साथ साथ कई बैंकों के अधिकारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि बैठक में 1,71,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर चर्चा हुई, जिसके लिए नाबार्ड के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने भी अपनी तरफ से कई सुझाव दिए हैं, जैसे किसानों को पशुधन क्रेडिट योजना के तहत लोन जल्दी मुहैया करवाया जाए, पीपीपी के लाभार्थियों को कम समय में लोन मिले और पानी बचाने के लिए वाटर बॉडी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। स्टेट फोकस पेपर होता है नाबार्ड के द्वारा, जो बैंकों की फंडिंग होती है उसके ऊपर जो एनुअल मीटिंग थी वो हुई और बहुत सारे सब बैंकों के अधिकारी थे, हमारी एसीएसटी एग्रीकल्चर की और हमारे बैंकिंग के अधिकारी थे। और हरियाणा के बारे में अगले साल की जो योजना है वो 1,71,000 करोड़ रुपए की योजना है और अधिकारियों ने नाबार्ड के जो स्कीम्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन दी और मैंने अपने जो सुझाव थे उनके सामने रखे। उसमें मुख्य मुख्य सुझाव ये थे कि हमारी जो पीकेसीसी है पशुधन क्रेडिट कार्ड, उसके लोन जल्दी दिए जाएं, हमारे जो पीपीपी के लाभार्थी हैं। दिल्ली में कुश्ती खिलाड़ियों के प्रदर्शन और हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इसे लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है और केंद्र और हरियाणा सरकार पर भी इस मुद्दे के जरिए जुबानी हमला बोला है। जो जंतर मंतर का प्रकरण हुआ है उसको अभय सिंह चौटाला क्या दुखी हुए चैंपियंस जब सड़कों पर बैठे? खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए, खिलाड़ी हमारी धरोहर है। अगर कोई भी प्लेयर किसी के ऊपर ये आरोप लगाता है तो फिर सरकार को जो है उसमें बिना कोई देरी किए एक्शन लेना चाहिए। जो ऐसा महिला कोच का एकमात्र ऐसे आप नेता थे, झज्जर जिले में कई खा पंचायतें हुई क्योंकि वो झज्जर जिले से आते हैं, संदीप सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सरकार जो है एक तरफ तो ये कहती है कि खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारा सम्मान है, हमारी इज्जत है, हमारी धरोहर है। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी भी है, कोच भी है, जो इसी इलाके की बेटी है। अगली खबर अब सोनीपत से। सोनीपत पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी का मार्केटिंग मैनेजर बता डाला और कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुसलमानों के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने सरकार से लव जिहाद के बढ़ते मामले को देखते हुए एंटी लव जिहाद कानून बनाने की भी मांग की है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा इस वर्ष में 5 करोड़ हिंदू परिवारों का संपर्क मैंने घर जाकर मिलना, कुशल पूछना, उनकी सेवा में गरीबों को मुफ्त में अनाज, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर और मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, उनकी सुरक्षा, कोई समस्या खड़ी होती है तो एक परिवार के लिए कहीं 10-20-25-50-100 लोग उनके सहयोग में खड़े रहे। और अब बात किसानों की करेंगे। पाले से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर चरखी दादरी के करीब आधा दर्जन गांव के किसान काकड़ौली हुकमी गांव से पैदल मार्च करते हुए बाटड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने ही रोड जाम किया और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह किसानों के बीच पहुंचे और मुख्यमंत्री के सामने किसानों की मांग रखकर उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है। इस बार चरखी दादरी जिला में पाला पड़ने की वजह से खासकर सरसों और सब्जी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते किसानों द्वारा 3 दिनों से गांव काकड़ौली हुक्मी में धरना दिया जा रहा था। सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि सारे का सही सर्वे करवा के बराबर
ये पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि एक लुहारू ने तो गया, मेलर बढ़ अड़क आया उल्टा चला गया, वो काम भी ना हो। और इनकी जो करी कुराई खबाच है उसमें कि मैं मुआवजा दें, मतलब ये माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक और ब्रेक का यहाँ पर वक्त तो चला है, लेकिन खबरें अभी और भी बाकी हैं, आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।